Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker. वापस आया हूँ एक आज एक हिंदी का टॉपिक लेकर के और आज बताऊंगा दो प्रकार के लोग होते हैं. कुछ लोग इतिहास रटने में जीवन बिता देते हैं और कुछ लोग इतिहास रचने में जीवन बिता देते हैं. There are two kind of people in the world. Some are busy cramming the history, some are busy creating the history. किस जगह पे हैं आप? आज का फॉर्मूला है इतिहास रटना नहीं है केवल, इतिहास रचना भी है. वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा और वो कौन सा इंग्रेडिएंट, एक पावरफुल इंग्रेडिएंट जिसके कारण वो इतिहास रच पाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मोनोमैनियकल मैडनेस. जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है. मेरा वीडियो आपने जरूर देखा होगा, केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है. वो जो जिद होती है ना, उसको पालना और बड़ा करना बड़ा जरूरी है. तरीका क्या है? तरीका यह है, अपनी जिद को पालना चाहिए, अपनी जिद को बड़ा करना चाहिए. कन्वर्टिंग एंगर इनटू अ रेजोल्यूशन. जिन लोगों ने इतिहास रचा है ना, कभी ना कभी गुस्सा आया था उनको और वो गुस्से को संकल्प में परिवर्तित कर लेते हैं. बिल फोर्ड से रतन टाटा ने भी ऐसे ही बदला लिया था. सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज, जानते हैं. एक बार रतन टाटा बिल फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट गए थे उनको कहने के लिए कि मेरी जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल डिविजन है चल नहीं रही है, मैं चाहता हूं आप इसको खरीद लो. उस दिन बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती करी थी. उस दिन उन्होंने कहा था तेरे पे एहसान कर रहे हैं, तेरा ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल खरीद के अगर गाड़ी बनानी नहीं आती तो धंधे में आए क्यों थे. जैसे ही बिल फोर्ड ने ये बात कही, रतन टाटा को बात चुप गई. उस दिन रात को सोचने लगे क्या करें, ये तो गलत हो गया हमारे साथ. रातों रात पूरी टीम लेकर के डेट्रॉइट से वापस बॉम्बे आ गए और उसके बाद पैसेंजर व्हीकल पे एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया. जिद्दी हो गए, टर्न अराउंड करूंगा इसको, टर्न अराउंड, कन्वर्टिंग एंगर इनटू अ रेजोल्यूशन. कुछ ही दिन के बाद टाटा मोटर्स को रिवाइव कर रहा था और बहुत अच्छा ग्रो करने लगा. बिल फोर्ड की कंपनी लॉसेस में आ गई और टाटा ग्रुप ने उनको प्रपोजल भेजा, हम तुम्हें खरीद लेते हैं. ठीक उसी प्रकार जैसे पहले बॉम्बे से डेट्रॉइट गए थे, इस बार डेट्रॉइट से पूरी टीम मुंबई आई और आकर के मुंबई हेडक्वार्टर्स में रतन टाटा के सामने बिल फोर्ड बोले, हमारी जैगुआर लैंड रोवर आप खरीद के हम पे एहसान कर रहे हैं. सब कुछ सेम था, पिछली बार बोले थे हम तुम पे एहसान कर रहे हैं और इस बार खुद आके कह के गए. रतन टाटा तो बिल्कुल प्रेम से उनकी गाड़ी 9600 करोड़ में खरीद गए. क्या बोले कि तुमने हमसे ये गाड़ी खरीद के हम पे एहसान किया है. बिल फोर्ड बोल के गए, केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है. मोनोमैनियकल मैडनेस इज नीडेड. मेरा आपसे ये प्रश्न, क्या जिद है आपकी? मेरा प्रश्न, पूछिए अपने आप से, चुनौती दीजिए अपने आप को और मैं क्या चुनौती दूंगा, आप अपने आप को खुद दीजिए. आपकी वो कौन सी एक जिद है, मोनोमैनियकल मैडनेस वो कौन सी है? अजय देवगन की ना पिक्चर देखी थी आता माजी सटकली, वो पिक्चर मुझे समझ में आ गई. क्या कहते हैं, आता माजी सटकली, जब तक ये सटकली नहीं होगा ना बनेगी नहीं बात. सत्या नडेला पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे यूएस में, उनके प्रोफेसर ने एक दिन अचानक देखा स्लीपिंग बैग सुबह किसका पड़ा हुआ. तब उनको पता लगा सत्या नडेला स्पीड अप करने के लिए कई दिनों से सोए नहीं है. रात को थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग बैग लेकर यही लैब में लेट जाते थे और उसके बाद उठ के फिर काम करना चालू कर देते थे. वो आज स्लीपिंग बैग पड़ा रह गया गलती से. ये जो लोग होते हैं ना इतिहास रचते हैं, ध्यान दीजिएगा, अलग ही प्रकार के लोग हैं. ये परसेंटेज में नहीं है, ये नंबर्स में होते हैं, ये नंबर्स में होते हैं. बाकी लोग तो इतिहास रटने में लगे हैं, ये इतिहास रचने में लगे हैं. बिल गेट्स के बारे में लोग कहते हैं यार भाई ड्रॉप आउट था, पढ़ाई से ड्रॉप आउट था. आपको पता है ड्रॉप आउट था? बिल गेट्स 70 घंटे लगातार पढ़ता था. उसके साथ के स्टूडेंट बताते हैं आज भी कि बिल गेट्स के जितना पढ़ने वाला व्यक्ति कोई 500 पेज आज भी पढ़ रहे हैं बिल गेट्स. जब 3 दिन लगातार पढ़ते थे ना, सोने से पहले जूता नहीं उतारते थे, बोले उठ के वापस पहनना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, जूता पहने पहने सो जाते थे. ये जो लोग, ये इंग्रेडिएंट इनके अंदर एक है, वो क्या है, जिद आ जाती है. कन्वर्टिंग एंगर इनटू अ रेजोल्यूशन. करना है तो करना है. सत्या नडेला से किसी ने ना इंटरव्यू में पूछा कि एम्प्लॉय जो माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करवाते हो क्या देखते हो उसके अंदर. सत्या नडेला बोले दो चीज है, एक क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी. कम ऑन, एक क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी. जिस आदमी के अंदर क्लैरिटी और एनर्जी होती है ना, वो इतिहास रचता है, वो सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है. मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे ना, तो लोग बार बार हॉकी को खोल के चेक करते थे, चुंबक तो नहीं है इसके अंदर, कोई मैग्नेट तो नहीं है. विश्वास ही नहीं था कि इतना बड़ा खिलाड़ी जादूगर हॉकी का कैसे हो सकता है. ब्रूस ली जब लड़ते थे, इनफैक्ट ब्रूस ली जब हॉलीवुड के पिक्चर में काम करते थे और जब वो किसी को 0.05 सेकंड के अंदर पंच मारते थे, तो उनको बाद में शूटिंग के स्लो करना पड़ता था मोशन को. लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इतनी तेज कैसे करेगा. लगता था जैसे
नकली शूटिंग हुई है, बाद में डायरेक्टर को उनके एक्शन को स्लो करना पड़ता था, क्योंकि जानते हैं जब आदमी परफेक्शन की स्टेज पर जाता है उसके लिए उसको आता माजी सटकली। जानते हैं आज का टॉपिक एक ही है, क्या करना चाहते हो, इतिहास रटना चाहते हो, इतिहास रचना चाहते हो। पीपल लाइक पिकासो आर ओनली वन इन यूनिवर्स, ये वो लोग अपनी कॉन्सेंट्रेशन को टूटने नहीं देते हैं, समाधि में एब्जॉर्प्शन में जब पेंटिंग में बैठते थे कई बार 72 घंटे कुछ बोलते नहीं थे, उनके लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे वो जवाब नहीं देते थे। ही नेवर वांटेड टू ब्रेक हिज कॉन्सेंट्रेशन, सो मच ऑफ एब्जॉर्प्शन। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली क्लैरिटी, दूसरा एनर्जी। कम ऑन, क्लैरिटी और एनर्जी ये दो चीजें मैं चाहता हूं आपके जीवन में होनी चाहिए, और वो जिद्दी हो जाइए एनर्जी के अंदर उस क्लैरिटी को अचीव करने के लिए। सुंदर पिचाई जब पढ़ते थे ना उनको पता नहीं होता था उनके दाएं कौन है बाएं कौन है, रिक्शा में जाते थे पढ़ते हुए जाते थे, सब्जी खरीदने जाते थे पढ़ते हुए जाते थे, स्कूल से आते थे पढ़ते हुए जाते थे, आते हुए जाते हुए क्लास के अंदर इतना फोकस उनको वो दिखता था जो किसी को नहीं दिखा। गूगल की टीम को उन्होंने बोल दिया था किसी भी दिन माइक्रोसॉफ्ट गूगल को हटा के अपनी डिफॉल्ट सेटिंग ला देगा, कोई नहीं माना उनकी बात, जानते हैं कोई नहीं माना। उनको इतनी क्लैरिटी थी, कुछ ही महीनों में वही हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटा के बिंग को डिफॉल्ट सेटिंग में ले आया और पूरे गूगल के अंदर तहलका हो गया। वही दिन था जब सुंदर पिचाई का कद कंपनी के अंदर बहुत बड़ा हो गया था। जानते हैं बहुत सिंपल है, आपको क्लैरिटी और एनर्जी चाहिए जब जिद्दीपन आ जाता है, व्हेन यू कन्वर्ट योर एंगर इनटू अ रेजोल्यूशन यू डू रियली वेल। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या वुमेन एम्पावरमेंट, क्या वुमेन एम्पावरमेंट। 1850 के अंदर जब कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था ना, और साथ नहीं मिला ग्वालियर की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से, माधव राव छोटा सा बच्चा पीठ पे ठांग लिया और निकल पड़ी दोनों तलवार से युद्ध लड़ने के लिए। जानते हैं जब आदमी को एनर्जी और क्लैरिटी होती है ना वो बहुत बड़ा जिद्दी हो जाता है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अब मैंने सारे वीडियो हिंदी में लाने शुरू कर दिया अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए। आज छोटे छोटे गांव कस्बों के अंदर लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, कैंसर पेशेंट भी बोल रहा है कि मैं कैंसर से लड़ पा रहा हूं बिंद्रा जी आपकी वीडियो देख के, क्योंकि आपके पास ताकत है, मैं तो खाली आपका सपोर्ट पार्टनर बन चुका हूं, आपको लगातार वीडियो देता हूं। मैं भगत सिंह से भी बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, मैंने क्या देखा वो भी सपोर्ट किया उन्होंने अपने देश को, कैसे किया। भगत सिंह छूट के जा सकते थे, वो बिना विस्फोट का बम जो उन्होंने फोड़ दिया ना उसके बाद निकल सकते थे, छुप के गायब हो सकते थे, जाके सबको बोले हाँ जी हमने फोड़ा पकड़ लो हमको। जानते हैं क्यों, क्योंकि वो चाहते थे क्रांति आ जाए, वो अपना जीवन लगा रहे थे बाकी देश की सेवा करने के लिए। छोटी उम्र के अंदर भगत सिंह चले गए, बोले मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हाँ हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, केवल पागल ही अच्छे हैं। यही वो लोग जिनके अंदर थोड़ा पागलपन आ जाता है ना, इन्हीं लोग को पूरा इतिहास याद करता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इतिहास रटने में लगे हैं कि रचने में लगे हैं, नीचे लिखिए कौन सा इतिहास रचना चाहते हैं। आज क्लैरिटी और एनर्जी चाहिए, मैं चाहता हूं आपको वो क्लैरिटी और एनर्जी चाहिए। आज लिखिए नीचे किस चीज में आप इतिहास रचेंगे, कहां आपको क्लैरिटी और एनर्जी चाहिए, और मैं आपकी मदद लगातार करता रहूंगा। मेरा मिशन है मैं आपको सफल बनाने के लिए ऐसे वीडियो लगातार बनाता रहूंगा, मेरे मिशन में साथ दीजिए, दूर दूर तक इन वीडियोस को फैलाइए ताकि हिंदुस्तान के लोगों में हम वो इतिहास रचने की ताकत को बढ़ा सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।